हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कोई भी स्टॉक्स, आपका पसंदीदा स्टॉक्स या फिर हमारा पसंदीदा स्टॉक्स कोई भी हो, उसका ट्रेंड हम थोड़ा बहुत कैसे पता लगाएं। मतलब वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, या फिर पिछले 3 दिन से वो लगातार प्राइस और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली हम वही देखेंगे 3 दिन से या 4 दिन से, आप देख सकते हैं, लेकिन हम 3 दिन का देखेंगे। पिछले 3 दिन से लगातार प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज हो रहा है किसी स्टॉक में, या फिर वो डिक्रीज हो रहा है। तो इससे जो है एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अगले दिन जो स्टॉक कौन से दिशा पर आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसके लिए, उस चीज़ को जानने के लिए हमें कुछ करना, इधर हमें एक गूगल शीट में हम वो देखेंगे थोड़ा बहुत जो है एक्टिविटी का, या सही होगा थोड़ा बहुत। तो हम पहले एक गूगल का एक फॉर्मूला है गूगल फाइनेंस का, अच्छा देखिए इसका ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जो है आप लोग नोट कीजिए। ये फॉर्मूला चाहिए होता है 1 मंथ का, या फिर आप जितने भी दिन का निकालना चाहते हो, आज के दिन से लेकर के पिछले जितने दिन का चाहिए आपको, 1 महीने का, 2 महीने का, या फिर 7 दिन का, 15 दिन का, जितने भी दिन का चाहिए, और इस फॉर्मूला से जो है आप उसको निकाल सकते हो गूगल शीट में। और वो ऑटोमेटिकली आता है, ऑटोमेटिकली वो अपडेट भी होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को जो है आपको नोट करना है, उसके बाद जो है इसको कम कर लेता हूँ। हाँ, आपको यहाँ टिकट लगाना होगा, टिकट में लिखना होगा NSE, कोई भी एक स्टॉक का नाम हो, जैसे कि इन्फोसिस, और हम निकल लेते हैं। उसके बाद ये अभी A3 नंबर इसमें है, तो हम इसको A1 पे है, तो इसको A3 कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला तब ले लेगा, ये टिकट ले लेगा, ओके। तो ये इन्फोसिस का ये आ गया डेटा, 7 दिन का डेटा आ गया। इस डेटा में आए हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम। तो हमें जो चाहिए पिछले 3 दिन का जो प्राइस है, अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है, उस चीज़ को जानने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर एक्टिविटी करना होगा। थोड़ा हम देखेंगे पिछले क्लोज का परसेंटेज और वॉल्यूम का परसेंटेज निकालेंगे पिछले 3 दिन का, उससे हम पता लगाएंगे कि कैसे। देखने से कुछ पता नहीं लगता है, हम सीधा देखेंगे तो, लेकिन अगर परसेंटेज में देखेंगे तो पता चलता है। तो हम परसेंटेज में देखेंगे, क्लोज के यहाँ परसेंटेज निकालेंगे पिछले 3 दिन का क्या होगा, और वॉल्यूम का भी निकालेंगे। तो ये पिछले दिन का क्लोज, आज के दिन के क्लोज से पिछले दिन का क्लोज जो है माइनस होगा, और ये हमें ये 1 दिन से छोड़ना होगा। जो एकदम से एंड का होगा वो हम छोड़ेंगे, ये 14, 15, 16, 17, 18 है, तो हम 14 तारीख के लाइन में नहीं रहे, क्योंकि हम 14 तारीख के जो होता है उसका दिन का हम क्लोज नहीं भूलेंगे। हम 14 तारीख का पकड़ेंगे 15 तारीख का क्लोज निकालने के लिए, तो हम 15 तारीख का जो कॉलम है उसमें हम ये डालेंगे, ठीक है। तो 15 तारीख का क्लोज जो है वो उससे माइनस होगा 14 तारीख का क्लोज, इससे कितना ऊपर है या नीचे है ये पता लगेगा, और 14 तारीख के क्लोज से ही उसको डिवाइड कर देंगे और फिर एंटर दबाएंगे। तो ये अब उस हम डेसिमल पॉइंट के साथ कुछ यह निकला है, तो हम इसको जो है इधर जाके परसेंटेज का ये बटन एंटर करेंगे, परसेंटेज में ये निकल जाएगा, परसेंटेज में आ गया ये, तो ये 0.41% हो गया। तो हम इसको नीचे खींचेंगे, ज़्यादा क्यों, अच्छा ये हो गया। तो ये परसेंटेज हम दिखा रहे हैं कि परसेंटेज जो है हम देख सकते हैं 15 तारीख का परसेंटेज इतना है, 16 तारीख का इतना हो गया, और 17 का इतना हो गया, 18। तो इससे हम देख सकते हैं कि क्लोज प्राइस जो है लगातार बढ़ नहीं रहा, घट भी रहा है, खतरा है, बढ़ रहा है, खतरा है, ऐसा हो रहा है। तो ये एक
स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है बाय करने का, तो हम वॉल्यूम पर भी देख लेते हैं इस तरह से। वॉल्यूम का पिछले दिन का वॉल्यूम है इसको डिवाइड करना होगा, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, तो परसेंटेज निकाला जाता है। ये देख लीजिए, इसको अगर जूम कर देता हूँ, ये है, ये फॉर्मूला है। मैं जी फाइव माइनस जी फोर जी डिवाइडेड बाई जी फोर, मतलब ये जी फोर जो है ये जी के इस रॉ में है, तो जी फाइव मतलब ये 15 तारीख का ले रहे, 15 तारीख का जो वॉल्यूम है उससे हम 14 तारीख के वॉल्यूम को माइनस करते थे, और जो माइनस, लेकिन इसमें ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है, ये एक ब्रैकेट लगाना होगा माइनस कर ले, उसके बाद एक डिवाइड आएगा, और डिवाइड से जो पिछले दिन का जो वॉल्यूम है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर निकलेगा हमारा परसेंटेज भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में नहीं आएगा, हम उसको उसको परसेंटेज का जो ये सिंबल है इसको क्लिक करना होगा, तब ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर दबाएंगे तो ये आ गया, ये हो गया वॉल्यूम का, अभी परसेंटेज में नहीं आया है तो हम इसको परसेंटेज में डालेंगे, हम इस बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पर एक बार हिट कर देंगे इस परसेंटेज में, तो आ गया, हो गया ये -46.93% जो है ये वॉल्यूम हुआ है, इसको पीछे खींचेंगे, हो गया। तो हम देख सकते हैं ये वॉल्यूम में भी उसमें कुछ खास वो नहीं हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये लगातार घट नहीं रहा, लगातार बढ़ भी नहीं रहा, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। तो हम अभी जो है अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको इन्फोसिस में देख लिया, हम अलग में देखें, अलग एक्सपो में देखेंगे, जैसे कि हम पिछले 3 दिन के देखेंगे, तो 4 दिन के भी देख सकते हैं, 3 दिन के भी देख सकते हैं, तो अभी लुपिन का देख लेते हैं, कोई सा भी हो आप देख सकते हो, बस इधर आपको कुछ नहीं, कुछ और करना नहीं है, बस ये टिकर सिंबल जो है उसको चेंज करते रहना, मतलब टिकर सिंबल में जो है उसको चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, जो NSE में जो नाम है उस टिकर सिंबल को लगाना है, लेकिन ध्यान रहे जो NSE जो है उसको नहीं हटाना, NSE के बगैर बाद में जो है ये कंपनी का नाम क्लियर करके आप दूसरा कंपनी का नाम डालिए, उसके बाद एंटर दबा दीजिए, तो उसका जो है ये पूरा आ जाएगा, जबकि हमने ये सब पहले डाला हुआ है फॉर्मेट में, ये सब है यहाँ पर सब फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला है यह सब, तो ये अपने आप ही आएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बस यही चीज़ देखेंगे इधर, हमें बस क्लोज और वॉल्यूम देखना है, उसका परसेंटेज देखना है, तो हम देख सकते हैं इधर जो है 3% हो गया, 2% हो गया, ये हो गया, एक क्लोज पर घट रहा है, उसके बाद ये दिन जो है बढ़ भी गया, तो ये 4 दिन का ही हो गया, तो हम पिछले 3 दिन का देख लेते हैं, तो भी ये जो है घट रहा था, अचानक से बढ़ गया, और ये जो है घटते घटते ये सब बढ़ गया, लेकिन असली में प्राइस में देखेंगे तो प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, उससे पता चला था जो अगले दिन है, अगर अब चाहे तो अगले दिन जो एक आफ्टर मार्केट का ऑर्डर लगा के हम थोड़ा सा पैसा निकाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, इस कंडीशन को देखूँ तो आप अगले दिन जो है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो अगले दिन आप आफ्टर मार्केट का ऑर्डर लगा के आप थोड़ा पैसा इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। ये 1 या 2 रुपये तो चले गए ऊपर, वो तो कंफर्म है, क्योंकि 1000 रुपये का स्टॉक है, 1 या 2 रुपये तो ऊपर जाने ही वाला है, वो तो कंफर्म है। तो अब अगर इस स्टॉक का अगर ज़्यादा नहीं 500 की स्टॉक खरीद सकते हो, 500 जैसे स्टॉक के इंट्राडे में अगर खरीद लेते हो, तो फिर आपको जो है ऊपर ये ऑलमोस्ट 500 रुपये तो खुलते ही दे देगा, ठीक है, ऐसा तो होता ही है, इतना तो अप डाउन होता ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉक है। पाँच रुपये का अपडाउन जरूर होगा इसमें, तो इसको जो है आफ्टर मार्केट का ऑर्डर लगा के मैं यहाँ से थोड़ा पैसा निकाल सकता हूँ, तो ये वाला पूरा गेम है। तो ये तो हमने हमें हम इस तरह से ये सब देख सकते हैं, इधर क्लोज का देख सकते हैं, वॉल्यूम को भी देख सकते हैं। एक्चुअली हम जो है इंक्रीज प्राइस एंड वॉल्यूम करके जो अगर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर जो है मनी कंट्रोल की वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, लेकिन
हाँ जो है आपका जो प्रेफर्ड स्टॉक्स है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, और यहाँ पर डाटा तो अवेलेबल है ही नहीं, मतलब शायद कोई भी स्टॉक जो है वो उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा होगा इसलिए नहीं है। तो आप जो है अपने हिसाब से अगर अपने को पसंदीदा स्टॉक्स को अगर देखना चाहते हैं, उसको ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप ये वाला टेक्निक आजमा के देख सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेकिन आपको जो है मार्केट क्लोज होने के बाद लगभग 5 बजे के आसपास से आपको देखना होगा, और आपको करीब कम से कम 500 जैसे स्टॉक्स को आपको जो है देखना है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और इस तरीके से आपका जो है काम थोड़ा आसान हो जाता है गूगल शीट के थ्रू। तो आप बस यहाँ पर ये इसको हटा हटा के देखेंगे तो 500 स्टॉक्स को आपको जब आप 500 स्टॉक्स को आप इजीली स्कैन कर सकते हैं, आपको करीब करीब 2 या 3 घंटे का टाइम लगेगा शायद ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से पैसा कमा देना आसान भी नहीं होता, थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ता है, तो इतना तो करना देखना ही होगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ठीक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।